चुनावी घमासान जोरदार तरीके से चल रहा है। सी न्यूज भी जोरदार तरीके से जनता को जानने में जुटा हुआ है। ट्रेन का सर्वे सबसे बेहतर सर्वे होता है। जो ट्रेन से निकल कर आता है वही ईवीएम से निकल कर आता है। चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। यूपी में 80 सीटें हैं, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर तगड़ा मुकाबला होने वाला है। जिस ट्रेन में हम खड़े हैं वो ट्रेन इटावा और मैनपुरी जाती है। इसी ट्रेन में हम यात्रियों से पूछते हैं कि यात्री क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं इटावा और मैनपुरी भी काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। और मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? इटावा। हाँ, किसको पसंद करते हैं, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी भी तमाम सारे वादे कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी वादे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वादे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अच्छे काम किए। क्या अच्छा काम किया? बहुत से अच्छे काम है। जैसे? जैसे कि राम मंदिर, गौशाला, कई का अच्छे काम है। और किसानों को पैसे देना 2000 रुपये, अच्छे काम है। समझ सकते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए। खास बात ये है कि इस सरकार में ना तो गरीबों का हित ना अमीरों का हित, अमीरों का हित है, गरीबों का हित नहीं है। भैया राहुल कांग्रेस सरकार में हर चीज़ सस्ती थी, अच्छी थी, सब कुछ आदमी सुकून से खा पी रहा था। इसमें तो आदमी के व्यापार भी फेल हो गए, बिल्कुल बनाए व्यापार फेल हो गए। हम इटावा जा रहे हैं। इरशाद अली जी, ये लोगों का अपना मत है और सभी यात्री अपने अपने तरीके से सोचते हैं और बताते भी हैं कि क्या होना चाहिए। वोट देने के लिए आप जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। जैसे युवा के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। अब नौकरी बिना उसके रिश्वत के लग रही है। टेस्ट दो और नौकरी लो, बस इतना ही कहना चाहते हैं। हाँ, मतलब आप भी युवा हैं और आपकी दाढ़ी बड़ी अच्छी लग रही है। आप क्या सोचते हैं? हम तो प्रधानमंत्री मोदी को बताएंगे। मोदी क्यों? विकास कर रहे हैं और जो है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे बोलने वाले भी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अच्छा, वो जाना। तो प्रधानमंत्री देश का कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री योगी मोदी। हाँ, क्यों बनना चाहिए? अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, पर लोग नहीं लागू करते। हाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या खास दिखता है? खास है उनमें, इसलिए दिखता है, है खास। हाँ, सब कुछ खास है उनमें। ये मत है लोगों का और अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं। क्या कुछ लोगों का मत रहता है और तमाम और भी यात्री हमारे साथ में मौजूद हैं और उनकी भी हम राय जानेंगे, जिससे इस बात का पता चल सके। आगे भजम, आप हम तो ये सोचते हैं मोदी अगर बढ़िया है, प्रधानमंत्री है, अच्छा काम करे, जनता को मतलब खुद ना दे सके तो जनता को परेशान भी ना करे। जो जनता का पैसा फंसा हुआ है, कम से कम गरीब आदमी का, वो तो उसे दे दे। 10 साल हो गए हमारे पैसे को फंसे हुए को। अच्छा, तो हमें प्रधानमंत्री वो लगता है जो देश को अच्छे ढंग से चलाए, बड़े का छोटे का सबका ख्याल रखे। आपका अपना मत है और भी यात्री मौजूद हैं और जो इटावा और मैनपुरी के स्टेशन के अंदर यात्री हैं, आप वोट देने के लिए जाते हैं? नहीं, जाते हैं। प्रधानमंत्री आपको कौन अच्छा?
कौन अच्छा लगता है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। जनता का मत है, माता ही यहाँ पर बैठी है। अच्छा माता जी, आप तो बहुत पुराने हैं, कितने क्या नहीं सुन रहे भगवान? हेलो, कहाँ है भगवान, क्या नहीं सुन रहे? अब देखो विभाग की इच्छा है। अच्छा, उदय मोड़ के। अच्छा, वोट देने तो जाते हो? हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन अच्छा है? अब हम तो मोदी को देते ही रहे। अच्छे लगते हैं मोदी? बताओ, अच्छे होने चाहे बोनाई को देते। ये लोगों का मानना है, अपना अपना मत है। अच्छा, आप मतलब कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो वही कह रहे हैं, जिसके जो दोस्त की देश के हित में काम करेगा वही प्रधानमंत्री, हमें अच्छा लगता है। आज नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहे हैं तो आज नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और आएगा तो कल और अच्छे लगने लगेंगे। अब जो हित में अच्छा काम करेगा वही हमारे लिए अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो अच्छा है ये अच्छा है, कि हमारे भविष्य के लिए अच्छा काम करेगा वो हमारे लिए अच्छा है। ये मत है लोगों का और यही मत सरकार बनाता है, यही मत सरकार बिगाड़ता है। किसकी सरकार बननी चाहिए यही आदमी सोचता है, और जब सोच आदमी की बनती है तो मतदान केंद्र पर भी वही व्यक्ति जाकर वोट डालता है। वोट डालना बेहद ज़रूरी है, और जिससे मतदाता इस बात का कहते हैं कि वोट अगर नहीं डालने जाएंगे तो आपकी पसंद की सरकार नहीं बनेगी। सरकार तभी बनेगी जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे, वोट डालेंगे तो सरकार आपकी पसंद की बन जाएगी। और भी यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी भीड़ ट्रेन के अंदर इस समय दिखाई दे रही है, और काफ़ी लोग ट्रेन के अंदर मौजूद हैं और जो अपनी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कौन प्रधानमंत्री बढ़िया? मोदी भाई, मोदी अच्छे काम कर रहा है, काम बढ़िया कर रहा है मोदी, सब चीज़ सही है। मोदी की सरकार होनी चाहिए। नहीं, मोदी सही है, साफ सफाई में वैसे तरक्की में सही है, मोदी की सरकार होनी चाहिए। मोदी बीजेपी, और काम बढ़िया कर रहा है, सही चीज़ में आगे देश बढ़ा दिया है। सही बढ़िया किया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, अगले देश कहाँ से पहुँचा दिया नहीं चाहता। गुंडागर्दी से परेशान थे क्या? है जी, गुंडागर्दी से परेशान थे? परेशान थे ही यहाँ पे। क्या परेशान? निकल नहीं पाते थे, कोई पैर छुड़ा लेता, कोई छुरी मार देता था। अच्छा। गुंडागर्दी ना नौकरी करने देते। अब नहीं है, बढ़िया काम। फिर भी हाँ डर रहे हैं, खो दिए उसने। हाँ जी, क्या उनसे गुंडे बदमाश है? क्या होना चाहिए? बंद करना चाहिए जेल में। सरकार कार्रवाई कर रही है तो सही कर रही है। सही कर रही ना योगी सरकार। गुंडे बदमाशों से सबको डर लगता है, हमें भी डर लगता है, और हर कोई चाहता है गुंडे बदमाशों की जगह जेल होने चाहिए। और चलते हैं आगे वाले डिब्बे में हम लोग, और भी यात्री। भाई साहब कहाँ चले जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं जयपुर। अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री कौन अच्छा है? प्रधानमंत्री मोदी। क्यों अच्छा? सुविधा सब देख रहा है। आप किसान इसान होंगे? हाँ। पैसा आता है आपके? हाँ हाँ। कितना पैसा आता? 2000 रुपये। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी? सही है। क्या क्या अच्छा किया? अच्छा ये सब कुछ जो कुछ हो रहा सब अच्छा ही हो रहा। और भी यात्री अगले वाले कोच के अंदर मौजूद हैं, और उनसे हम जानेंगे, क्योंकि तमाम सारे यात्री इस कोच के अंदर मौजूद हैं, और उन सभी यात्रियों की जो मौजूद हैं उनसे हम राय जानेंगे। मतलब प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ये इनका अपना कोई मत नहीं है। मतलब क्या चीज़? वोट देने? हम तो अभी तक नहीं गए देने, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं देते हैं मोदी जी हमें। जब कोई सुविधा देंगे तभी तो जाएं देन, जब कोई सुविधा ही नहीं देते तो जाएं क्या? सुविधा में
लोग वह कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। क्यों हम देते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाते, हम किसी लिए जाते ही नहीं है। देखो हमारे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है, हमें आयुष्मान कार्ड की जरूरत थी, हमने इतने भगे, कोई आयुष्मान कार्ड ही नहीं बना। कहते हैं मोदी जी ने इतना वो कर दिया है, तो हम जाते ही नहीं है देने। रहोगी अपनी मत है, आप वोट देने के लिए जाते हैं? जाते हैं। मोदी है ना, इटावा। सब अच्छा ही है बस, हाँ सब अच्छा है। और भी चाहिए, विकास ही चाहते हैं, और अच्छा हो भी रहा है, सिस्टम बदला हुआ है। हाँ अच्छा, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा किया है, और हम चाहते हैं आगे और भी अच्छा आगे प्रोग्रेस करें। बदमाशों डर के, बदमाशी तो है नहीं, योगी आज की योगी सरकार चल रही यूपी में, तो उससे बदमाशी तो बहुत ही है, आप समझिए बिल्कुल बहुत ही कम हुई है। बदमाश योगी का चल रहा है बुलडोजर एकदम जी। आप वोट देने जाते हैं? जो डिजर्विंग होगा वही बनेगा सर, वो तो सभी को पता ही है, और क्या, जो डिजर्विंग होगा सर वही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी भले कुछ किया हो या ना किया हो, एटलीस्ट ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश तो की। तो फिर अब जब भी होता है ना कि हम कोशिश करते हैं, जो नहीं करता है तो वो बात की बात है, एटलीस्ट जो कोशिश करता है तो वही है। और भी यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, आप आजा। अच्छा अच्छा, चौबे जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? वाराणसी से, वाराणसी से आए हैं। अच्छा, अच्छा। जी देखिए, जो सरकार है वही सरकार रहेगी, विकास के मुद्दे को लेके हम लोग वोट हमेशा करते हैं, और जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से विकास ही विकास है। आपके बनारस से ही वो चुनाव लड़ते हैं, तभी आप कह रहे हैं इस बात को? ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि बनारसी हैं तो बनारस की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश में टहलते हैं, हम पूरे देश में देख रहे हैं। अभी मैं राजस्थान गया, वहाँ भी देखा विकास है, यहाँ आया यहाँ भी विकास है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ विकास है। जब विकास है तो मैं विकास की बात करूँगा। नहीं सोचते क्या है, विकास से पेट तो नहीं भर रहा, गरीब तो मर ही रहा, गरीब को सहूलियत तो है नहीं, बड़े आदमियों को सहूलियतें हैं भाई, ना कोई नौकरी है ना कोई काम है, आप तो खुद देख रहे हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, उन लोगों को तो कोई परवाह है नहीं है। राशन में देख लीजिए क्या हो रहा है, दे तो रहे हैं 5 किलो यूनिट ज्वार बाजरा, क्या वो लोग ये खा रहे हैं? इंतज़ार करते रहो कब मिलेगा, कभी तो पहले तो ये होता था 5 तारीख को मिल जाएगा, और फिर 5 किलो के अंदर आप पूरा राशन खा लेंगे पूरे महीने का, एक आदमी बताइए आप मुझे 5 किलो में पूरा कर लेगा? किस हिसाब से करेगा तो वो बता दो मुझे, तो देना ना लेना, नौकरी दो काम दो, वो सबसे बढ़िया है। नौकरी बड़ा मुद्दा रहता है, और आप क्या सोचते हैं? हम तो अच्छे दिन के लिए वोट दिए थे, अच्छा दिन हमें दिख ही नहीं रहा, आपको दिख रहा? 60 रुपया जब पेट्रोल था तो साहब ने कहा कि हम 30 रुपया ला देंगे, 15 लाख रुपया ला देंगे, 400 रुपया का सिलेंडर और सस्ता कर देंगे, 1200 रुपया में भी लिए हैं, हम क्या करें साहब का? कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे राहुल ही बन जाए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़े ना है, ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी अवतार लिए हैं प्रधानमंत्री के ही लिए, बनारस से तो हम भी हैं, बनारस से ये भी हैं, लेकिन ये लोगों का अपना मत है, और सब लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं किसको क्या मिला और कैसे मिलना चाहिए, जो मिल रहा है और उसमें क्या कुछ और होना चाहिए, होगा तभी जब आप EVM का बटन दबाने के लिए जाएंगे। EVM का बटन दबाना बेहद ज़रूरी है,
आपकी पसंद नापसंद ईवीएम पर ही निकलनी चाहिए। अपने साथी अर्जुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।